आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार आखिर क्या कहकर आरजेडी से बाहर निकलेंगे, इस गठबंधन को तोड़ने के पीछे की वजह क्या बताएंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अभी तक तो जेडीयू के नेता कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जेडीयू के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है और इन बयानों को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन का साथ छोड़ देते हैं तो वो क्या कहेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार। नीरज कुमार ने एक बयान दिया है, वो पहले आप सुन लीजिए। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। नीरज कुमार के बयान में ये साफ है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी लाइन को दोहराने वाले हैं जिस लाइन को उन्होंने पहले कभी दोहराया, यानी कि लालू परिवार पर जो घोटालों के आरोप हैं, जो जमीन नौकरी के बदले लिए गए थे उन पर जो आरोप है, जो ईडी की कार्रवाई चलने वाली है, ये जो आरोप हैं, इन्हीं आरोपों का बहाना देकर नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। खबरों की माने तो नीतीश कुमार आज शाम को इस्तीफा दे सकते हैं और फिर बीजेपी समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंप सकती है। इस बड़े फेरबदल के बीच आरजेडी की भी महत्वपूर्ण बैठक चली। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को कहा है कि उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार की इज्जत की, नीतीश कुमार के काम की सराहना की है और जो दो दशकों में नहीं हो पाया वो हमने एक साल में करके दिखाया, जैसे जातीय जनगणना और बिहार में नौकरी देना। खैर, फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बिहार में हर फ्रंट पर बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी, सभी इस जुगत में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो सियासी वह पोह की स्थिति बनी हुई है वो साफ हो जाए, जो सियासी धुंध बिहार की सियासत पर छाई हुई है उसका वो कहीं ना कहीं साफ हो जाए। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि नीतीश कुमार भी मंथन यही कर रहे होंगे कि इस बार महागठबंधन से बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे क्या, जब मीडिया से आंख मिलाएंगे तो क्या कहेंगे और जनता के बीच क्या कहकर आने वाले दिनों की राजनीति करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।